लेकिन आजकल दिल्ली में जिसको राज है वो कोई काम कर रहे हैं जी, वो खाली प्रचार करने में है। वो तो सारा इतिहास को बदल देंगे ताकि लोग उनको उनको आजादी की लड़ाई से मतलब था, कोई मतलब नहीं था। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को चेताया है जिन्हें आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, आजकल क्या क्या बात कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से लौटे हैं। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, साथ ही साथ राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है, फिर सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई, यानी कि विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। आगे ये मेल मुलाकात का जो दौर है वो जारी रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है जो उनको वोट देगा यानी कि बीजेपी को नाश हो जाएगा, नाश करा देगा, हम लोग को वोट देंगे लोग। और माहौल अब बदल रहा है, संविधान की बात करने वाले लोग जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने खूब इशारों में बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है, जरा सुनिए। और सबको मिलकर के चलना है, आज समाज में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने किया है सब लोगों को मिला करके चलिए। लेकिन आजकल दिल्ली में जिसको राज है वो कोई काम कर रहे हैं जी, वो खाली प्रचार करने में है। वो तो सारा इतिहास को बदल देंगे नया नया प्रचार चर करके, किसी की बात नहीं, और वही बिना मतलब की बात को चलाना और पुराने सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे ताकि लोग उनको उनको आजादी की लड़ाई से मतलब था, कोई मतलब नहीं था। और आजकल कुछ बोलते हैं कुछ नहीं काम, तो इसलिए उन सब चीजों पर याद रखिए। और जितना जो कर रहे हैं उतना ही ऐसे ही वैसे ही बोलते रहते हैं। आजकल हम लोग कहीं कुछ करते हैं तो कुछ से कुछ बोलते रहता, अब क्या बोलते रहता है। अब आप सोचिए, जिनके साथ थे तो हम लोग जब उन पर कर दिया केस, हम जब अलग हो गए तो 5 साल कुछ नहीं, अब फिर जब साथ हो गए तब फिर केस कर दिया। आप दर्श देख लीजिए क्या हालत है। ये लोगों को परेशान करना और विभिन्न राज्यों के लोगों को परेशान करना, इसलिए ऐसे ही लोग हैं। इसलिए अब तो हम लग्न गए थे जी, सब कहा था बड़ा अच्छा कि अलग हो गए आ गए, तो 7 महीना पहले भी हम अनेक पार्टियों के लोगों ने कहा बात किए। अब आप लोगों को बता देते हैं, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं, अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगे। अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, उस सब सहमत हो गए। तो अब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है, सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है, और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे, और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है, 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी, हम जब गए हमको बुलाए थे गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले, तब आप समझ लीजिए अब कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। आप जानते ही है ना कि बिहार में हम लोगों ने कितना काम किया, और बोलिए बिहार में कौन काम नहीं कर दिया, आप बोलिए। हर घर नल का जल पहुंचा दिए,
कौन चीज नहीं, हाँ बिजली पहुंचा दिया, कौन सा काम नहीं, पक्की गली नाली का निर्माण, आगे और जितना काम कर रहे हैं जो भी है, और सबका मेंटेनेंस का काम, तो एक एक तरह से जितना काम हुआ है, पहले का क्या हाल था और अब क्या हाल है। अभी आप सब लोग बैठी हुई हैं महिलाएं, आप पहले आप महिलाओं को देख रहे हैं सब जगह कितना बढ़िया लगती है, आप पहले महिलाओं की स्थिति कितनी खराब रहती थी, कैसी स्थिति थी, तब कैसा हुआ, तो कोई याद करेगा कि कब क्या कर दिया गया और किसने सबके उत्थान के लिए काम किया। अब आप जरा देख लीजिए गरीब गुरबा तबका गांव में भी जो लोग रहते थे क्या हालत था, अब सबकी स्थिति कैसे बेहतर हो गई, और हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आ केंद्र को कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दो, तो नहीं है ना दे रहा है जी, आ हम लोग तो एकदम बिल्कुल अपने ढंग से कर रहे हैं, तो ये लोग कौन चीज बोलते रहते हैं। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी का विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण देते हैं जी, कोई काम करते हैं। आ इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे, 6 साल मंत्री थे और कितना प्रेम करते थे। अब आजकल इन लोग का कुछ है जी, जो वो लोग काम किए थे, लोग कोई काम कर रहे हैं, हर चीज को अपने ढंग से एक एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं दो ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। हा बेचारा सब जो भी है उसको बोलना है, तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था आजकल कितना बोलते रहता, रोज रोज बोलते रहता, इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा, तो इसलिए बेचारा बोल रहा है, तब बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है, तो इसीलिए सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं, अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, अब मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो ये लोग तो शुरू में आपको बता दिए हैं, ये लोग तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, एक एक चीज को आप लोग भूल जाइएगा, और जो ये कहेंगे वही बात। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जितना हम लोग शुरू से काम किए हैं, जरा जा करके इसकी चर्चा जरूर करिएगा कि पहले कितने पढ़ते थे, अब कितनी पढ़ती, पहले क्या हालत था, अब क्या हाल है, और राज्य सरकार ने जो किया है इसमें कुछ वहां से हुआ है। आप 15 में भी क्या क्या ऐलान किए थे कि हम लोग करेंगे, तो क्या हुआ भैया, अटल जी के टाइम का जो तय किया हुआ था आज वो भी नहीं पूरा हुआ, बहुत सारे सड़कों का भी, रेल का, तब क्या कीजिएगा, ऐसे ही है इन लोगों का। तो सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, और हम लोग जितने लोग एक साथ साथ पार्टियां हो गई हैं सब लोग मिलकर के चलेंगे, और देश भर में बाकी लोग भी मिलकर के चलेंगे, और हम लोग इन लोगों की बात मानेंगे। इसलिए आप सब लोग, आप बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को याद रखिएगा, और सब लोग मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ चलिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है, हम जो देख रहे हैं कि बाकी कई जगहों पर कितनी संख्या में सब लोग हैं, तो आज जो हम यहाँ बोल रहे हैं खाली अपने यहाँ मौजूद लोगों को नहीं, बल्कि जितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं सब लोगों से अपील किया, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की इन बातों को मानिएगा ना भाई आप लोग,
आपस में प्रेम और भाईचारे का रहिएगा ना। आए वो बात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में मत नारा लगाइए कि यही बनेंगे नेता, ये सब छोड़ दीजिए। हमको तो सबको एकजुट करना है और बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए माहौल ताकि देश को फायदा हो। खाली मेरा नंबर लीजिएगा तब बिना मतलब का चर्चा होगा, तब मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, और यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा और जो गरीबी है वो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप मिल करके आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, और जो पार्टी के तरफ से इतना काम किया गया है मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा, और हम लोग आप सबका इज्जत और सम्मान देते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, लोगों को भी अलग अलग जिम्मेवारी और काम का भी अवसर फिर मिलेगा, इसकी चिंता मत करिए, वो सब होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो मौजूद हैं सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की स्मृति का नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार का ये चुटिला अंदाज विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है, हालांकि आखिर में भाषण के अंतिम समय में उन्होंने ये भी कहा है कि फिर से उन्होंने साफ कह दिया है कि हम कोई पीएम की रेस में नहीं है, हमारा नाम बार बार मत लीजिए, हम अनुरोध करते हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार की प्राथमिकता है, और विपक्ष के लोग अगर एकजुट होते हैं, तमाम देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर एकजुट होती हैं तो क्या फिर 2024 में जो बीजेपी का मिशन है वो अधूरा रह जाएगा, चुनौती बड़ी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।